वेलकम टू मेक लर्निंग ईजी। मेरा नाम प्रोमिला सिंह है और आज का हमारा टॉपिक है एमाइल दुर्खिम थ्योरी एंड टाइपोलॉजी ऑफ सुसाइड। एमाइल दुर्खिम वाज द मोस्ट प्रोमिनेंट फ्रेंच सोशोलॉजिस्ट ऑफ द 19th सेंचुरी। इनका जन्म एपिनल फ्रांस में 15 अप्रैल 1858 में हुआ। इन्होंने अपनी ग्रेजुएशन फ्रांस के बहुत ही प्रसिद्ध कॉलेज इकोले नॉर्मे से की। इसके पश्चात इन्होंने अपनी डॉक्टरेट फ्रांस से ही 1893 में की। इनकी डॉक्टरल थीसिस थी द डिवीज़न ऑफ लेबर इन सोसाइटी। दुर्खिम्स अदर फेमस वर्क द डिवीज़न ऑफ लेबर इन सोसाइटी, रूल्स ऑफ सोशोलॉजिकल मैथड, सुसाइड, एलिमेंट्री फॉर्म ऑफ रिलीजियस लाइफ, कलेक्टिव एंड इंडिविजुअल रिप्रेजेंटेशन, जजमेंट ऑफ रियलिटी एंड जजमेंट ऑफ वैल्यू। एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछा जाता है हु इज द फर्स्ट प्रोफेसर ऑफ सोशोलॉजी, तो दुर्खिम को समाजशास्त्र का पहला प्रोफेसर माना जाता है। इन्हें ही फादर ऑफ मॉडर्न सोशोलॉजी, आधुनिक समाजशास्त्र का जनक या पिता भी कहा जाता है। दुर्खिम ने अपनी स्टडी सुसाइड के जरिए सोशोलॉजी में पहली बार इनडायरेक्ट मेथड कंपैरेटिव स्टडी को सोशोलॉजी के फील्ड में लेकर आए। तो इनडायरेक्ट मेथड को सोशोलॉजी में लाने का श्रेय भी दुर्खिम को ही जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सुसाइड क्या होता है, व्हाट इज सुसाइड। सुसाइड इज़ द एक्ट ऑफ टेकिंग वंस ओन लाइफ, अपने आप ही अपनी जान लेना। इसको हम आत्महत्या या सुसाइड कहते हैं। एमाइल दुर्खिम ने अपनी परिभाषा दी है सुसाइड की, आइए वो देखते हैं। अकॉर्डिंग टू दुर्खिम, एवरी केस ऑफ डेथ रिजल्टिंग डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फ्रॉम ए पॉजिटिव और नेगेटिव डेथ परफॉर्म बाय द विक्टम हिमसेल्फ एंड विच स्ट्राइव टू प्रोड्यूस दिस रिजल्ट इज कॉल्ड सुसाइड। दुर्खिम की इस डेफिनेशन से हमें क्या पता चलता है। दुर्खिम ने इस डेफिनेशन में क्लियर कर दिया है कि जो भी इंसान सुसाइड कर रहा है वो सुसाइड के जो कॉन्सिक्वेंसेस होंगे उनसे पूरी तरह से अवेयर होता है। उसे पता होता है कि उसके आत्महत्या करने से इसके क्या रिजल्ट सामने आएंगे और वो पूरे होश आवाज में ये काम करता है। इट इज़ अ कॉन्शियस एक्ट एंड द विक्टम हु परफॉर्म्ड सुसाइड इज नो अबाउट द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ सुसाइड। व्हाट इज द फंडामेंटल आइडिया बिहाइंड दुर्खिम स्टडी ऑफ सुसाइड। दुर्खिम क्यों स्टडी करना चाह रहे थे सुसाइड के ऊपर, क्योंकि दुर्खिम प्रूव करना चाह रहे थे कि सुसाइड जो है वो एक सोशल फैक्ट है। सुसाइड इज़ अ सोशल फैक्ट एंड सोशल ऑर्डर एंड डिसऑर्डर आर द वेरी रूट कॉज ऑफ सुसाइड। वो प्रूव करना चाह रहे थे कि जो इंडिविजुअल है या प्राइवेट एक्ट हम जो मान रहे हैं सुसाइड को, ये इंडिविजुअल प्राइवेट या पर्सनल एक्ट ना होकर सोशल फैक्ट है, सोशल कंडीशन है जो सुसाइड के लिए इंसान को प्रेरित करती हैं, प्रोत्साहित करती हैं। सुसाइड के पीछे जो कारण है वो है हमारी सोसाइटी, हमारी सोशल कंडीशन। अपनी इस बात को सिद्ध करने के लिए दुर्खिम ने अलग अलग सोसाइटीज़ में अलग अलग टाइम में सुसाइड रेट को चेक किया और उन्होंने कई रिजल्ट निकाले, कई उन्हें तथ्य मिले, जिससे ये पता चला कि सुसाइड जो है ये डिपेंड करता है सोसाइटी पर। ये एक सोशल फैक्ट है, ना कि पर्सनल एक्ट, जिसे अभी तक लोग पर्सनल समझ रहे थे वो एक सोशल फैक्ट है। इसके पीछे सोसाइटी है, सोशल कंडीशन है। कुछ सोशल कंडीशन ऐसी हैं जिनमें इंसान मजबूरी में या प्रेशर में आकर सुसाइड जैसा आत्मघाती कदम उठा लेता है। अपनी फाइंडिंग में दुर्खिम ने ये भी पाया कि जब भी किसी तरह की वार या रेवोल्यूशन होती है उस टाइम सुसाइड रेट कम हो जाते हैं, जबकि इकोनॉमिक बूम या इकोनॉमिक डिप्रेशन के टाइम सुसाइड रेट
बढ़ जाते हैं। मैरिड की बजाय अनमैरिड पीपल में भी सुसाइड रेट ज़्यादा होता है। कुछ रिलीजन्स भी हैं जो सुसाइड से लोगों को प्रोटेक्ट करते हैं। अगर इसमें हम एग्ज़ाम्पल के तौर पे देखें, प्रोटेस्टेंट जो रिलीजन है वो सुसाइड के लिए लोगों को सबसे कम प्रोटेक्शन देता है। वहाँ पर लोग सुसाइड के लिए ज़्यादा प्रोत्साहित होते हैं, लोग ज़्यादा सुसाइड करते हैं जो प्रोटेस्टेंट रिलीजन से बिलोंग करते हैं। ऐसा दुर्खिम की फाइंडिंग से हमें पता चला। तो इससे ये साबित हो गया कि सुसाइड जो है एक सोशल फैक्ट है और इसको हम स्टडी कर सकते हैं। तो इसको स्टडी करने के लिए किसी मेथड की ज़रूरत थी। दुर्खिम ने कौन सा मेथड चूज़ किया इसके लिए, ये जानने के लिए कि सुसाइड का कॉज क्या है, दुर्खिम ने जो मेथड यूज़ किया वो था स्टैटिस्टिकल मेथड। स्टैटिस्टिकल मेथड यूज़ करने के पीछे दुर्खिम का सबसे बड़ा कारण ये था कि स्टैटिस्टिक्स जो थे सुसाइड पर वो ईज़िली अवेलेबल थे, आराम से मिल रहे थे। क्योंकि ना तो आप एक मरे हुए आदमी पर सर्वे कर सकते हैं, ना ही आप उससे बात कर सकते हैं, ना ही उससे आप क्वेश्चनियर फिल करवा सकते हैं। जो सिंपल और इजी मेथड था वो था डाटा जो आपके पास अवेलेबल है, किस टाइम में, किस मंथ में, किस जगह पे, किस सोशल कंडीशन में कितने सुसाइड हुए हैं, ये सब दुर्खिम को बहुत ही आसानी से मिल गया। इसलिए उन्होंने सुसाइड को टेस्ट करने के लिए, सुसाइड की स्टडी करने के लिए स्टैटिस्टिकल मेथड यूज़ किया। दुर्खिम ने सुसाइड को स्टडी करने के लिए समाज में दो स्केल्स को देखा। पहला स्केल था इंटीग्रेशन, सामाजिक एकीकरण की कोटि, किसी भी समाज में कितनी एकता पाई जाती है। दूसरा रेगुलेशन, समाज की व्यक्ति पर पकड़, समाज किस तरह से व्यक्ति के व्यवहार को अनुशासित या नियंत्रित करता है। इस आधार पर दुर्खिम ने चार प्रकार के सुसाइड बताए, ईगोइस्टिक सुसाइड, अहमवादी, एल्टूरिस्टिक सुसाइड, परार्थवादी, एनोमिक सुसाइड, विसंगतिपूर्ण, फेटलिस्टिक सुसाइड, भाग्यवादी। फर्स्ट ऑफ ऑल ईगोइस्टिक सुसाइड। ईगोइस्टिक सुसाइड उस कंडीशन में परफॉर्म होता है जब सोसाइटी से हमारी इंटीग्रेशन बहुत कम होती है, लो इंटीग्रेशन होती है, तब हम ईगोइस्टिक सुसाइड परफॉर्म करते हैं। इसका एग्जाम्पल हम देख सकते हैं, जब कोई प्रेमी या प्रेमिका प्यार में असफल होकर सुसाइड करे तो हम उसको ईगोइस्टिक सुसाइड की श्रेणी में रखते हैं, क्योंकि उसका अपना ईगो है, उसे लगता है कि ये काम करके वो अपने लवर को या प्रेमी को दुख दे सकता है, उसमें ईगो होता है कि मेरे बिना वो कैसे जी सकेगा। तो ईगोइस्टिक सुसाइड की श्रेणी में आता है ये, अगर कोई प्रेमी या प्रेमिका अपनी जान देते हैं तो। दूसरा सुसाइड है एल्टूरिस्टिक सुसाइड। एल्टूरिस्टिक सुसाइड तब परफॉर्म करता है इंडिविजुअल जब उसकी इंटीग्रेशन बहुत ज़्यादा हाई होती है, ओवर इंटीग्रेटेड होता है वो अपनी सोसाइटी से, अपनी फैमिली से। एग्जांपल पे तौर पे हम देख सकते हैं, जैसे कि सैनिक, एक बंदा जो सिपाही है वो अपने देश के लिए इतना ज़्यादा इंटीग्रेटेड फील करता है कि वो उसके लिए अपनी जान भी दे सकता है। यही हम अपनी फैमिली से भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, अगर आपकी फैमिली है उस फैमिली में और किसी तरह की कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो आप अपनी लाइफ सेक्रीफाइस कर सकते हैं अपनी फैमिली के लिए, क्योंकि आप उससे बहुत ज़्यादा अटैच हैं, जबकि आप किसी दूसरे के लिए ये नहीं करेंगे। तीसरी तरह का सुसाइड है एनोमिक सुसाइड। एनोमिक सुसाइड तब परफॉर्म होता है जब लो रेगुलेशन होती है, नॉर्मलेसनेस सिचुएशन हो जाती है, नहीं पता होता कोई नॉर्म्स हैं कि नहीं हैं, किस तरह का वातावरण है, हमारा कोई काबू नहीं होता उस पर। इस तरह की सिचुएशन हम अभी हमने देख सकते हैं, जब मंदी का टाइम आता है, इकोनॉमिक डिप्रेशन आता है, तभी भी आदमी इस तरह की सिचुएशन में फंस जाते हैं। उन्हें लगता है कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, कुछ उनके हाथ में नहीं है, कुछ वो रेगुलेट नहीं हो रहा, कहीं से कुछ समझ नहीं आ रहा, हर तरफ से नॉर्म्स टूट रहे हैं, नॉर्मलेसनेस सिचुएशन है, किसी तरह का कोई कानून कुछ नहीं है, दंगे फसाद हैं हो रहे हैं। तो ऐसी सिचुएशन में आदमी क्या करता है, उसको फील होता है किसी तरह की रेगुलेशन नहीं है, कुछ नहीं है, ऐसे में जो सुसाइड परफॉर्म होता है वो एनोमिक सुसाइड है। लास्ट
है फेटलिस्टिक सुसाइड। ये सुसाइड तब परफॉर्म होता है जब बहुत ही ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन, बहुत ही ज़्यादा रेगुलेशन होती हैं। इसमें हम एग्ज़ाम्पल ले सकते हैं स्लेव्स का। एक दास जो है उसके ऊपर जो उसका मास्टर है वो बहुत ज़्यादा अत्याचार करता है, उसको किसी तरह की कोई फ्रीडम नहीं है, तो उसको लगता है इस कंडीशन से निकलने का जो सबसे बेस्ट उपाय उसे लगता है वो लगता है कि वो सुसाइड करे, और उसका जो सुसाइड है वो फेटलिस्टिक सुसाइड्स के अंदर आता है। लास्ट बट नॉट द लिस्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, दुर्खिम्स फेमस बुक सुसाइड पब्लिश इन विच ईयर? कमेंट करके इस क्वेश्चन का आंसर बताएं कि दुर्खिम की जो फेमस बुक है सुसाइड वो किस साल में प्रकाशित हुई थी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। इसी तरह की और भी वीडियोस पाने के लिए और अपनी लर्निंग को और भी ज़्यादा सिंपल और इजी बनाने के लिए।